Assalamualaikum guys, I'm back with a tutorial video. तो guys आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप GTA 5 के अंदर scripts mode कैसे install कर सकते हैं. सबसे आसान और सबसे मज़ेदार mode GTA 5 के वो है scripts mode. ठीक है, तो आपको जितने mode मैंने ये वीडियो में यूज़ किए हैं वो मैं आपको उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और अगर आप और scripts mode install करना चाहते हैं वो उस पेज का मैं लिंक दे दूंगा और GTA 5 की मोडिंग वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, तो अब ये कुछ मोड मैंने चूज़ किए हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए हैं. ये सारे मोड हैं, एक फ्यूल मोड है, फ्यूल स्क्रिप्ट भी. उसके बाद आते हैं सिंगल प्लेयर गैरेजेस. तो इसका मैं आपको बता दूं कि आपको करना है 1.9.2 ताकि आप घर ख़रीद सकें. ठीक है, ये वाला आपको करना है 1.9.2. नेक्स्ट पे आता है फार्मिंग लाइफ प्रोजेक्ट. ठीक है, और उसके बाद आता है एडिट ट्रैफिक मोड. उसके बाद गैंग मोड, और गैंग मोड में आप गैंग ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी और उनके मिशंस कर सकते हैं. उसके बाद आता है प्रीमियम डीलक्स कार डीलरशिप. ठीक है, यहाँ से आप कार खरीद सकते हैं जैसे आप ऑनलाइन GTA 5 में ले सकते हैं. ठीक है, तो आप चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ. तो इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं. यहाँ से अभी जहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया इन सबको, उनको एक्सट्रैक्ट करना है सेपरेट फोल्डर्स के अंदर. ठीक है, एक साइड पे ये रखना है और एक साइड पे आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी रखनी है. ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है आपने स्क्रिप्ट. ठीक है, S बड़ा और बाकी सब छोटे, SCRAPTS स्क्रिप्ट. सिंपल भाई है. अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको फेंकना है स्क्रिप्ट के अंदर. ये चला गया स्क्रिप्ट के अंदर, ये ठीक हो गया. अब आता आगे फार्मिंग प्रोजेक्ट. फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है. ठीक है, और उसके बाद आपको सिंगल प्लेयर अपार्टमेंट्स को भी यहाँ से सब को उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देना है. ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है. ठीक है, हो गया. तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि गैंग मोड को भी आपको उठा के सारा इसके अंदर पेस्ट कर देना है. बस समझे, स्क्रिप्ट मोड यही होता है, बस फेंकना है आपको जो जो चीज़ आपके सामने आती है. अच्छा, उसके बाद आपको ये करना है कि ये आपने कर दिया यहाँ पे ओवरराइड, जो जो बोलते हैं ओवरराइड कर दो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूल स्क्रिप्ट. इसको भी इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो इसकी अब एक रिक्वायरमेंट है छोटी सी, वो आपको ये करना है कि ये आ जाता हूँ मैं गूगल क्रोम में. यहाँ पर आपको लिखना है नेटिव UI 1.0 नेटिव UI लेटेस्ट वही लिख देना है. ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा नेटिव UI, इसको आपको इंस्टॉल करना है. ठीक है, चलो एक आपको मैं बोनस मोड भी दे देता हूँ. वो मोड एक सेकेंड, हाँ, तो आपको मैं एक ज़ॉम्बीज मोड भी दे देता हूँ. ये ज़ॉम्बीज, ठीक है, सिंपल ज़ॉम्बीज V, ये भी एक मज़े का मज़ेदार मोड है. ठीक है, बस इसको भी जितने भी इंस्टॉल होंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएगा. डाउनलोड करते हैं G.net वाला. डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट बंद. ठीक है, अब ये भी हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं. अलामो क्रिप्टो, जिससे भी आपको करना है आप कर लें. ओपन फोल्डर कर देते हैं. अब यहाँ से ये है वो ज़ॉम्बीज मोड जो कि बोनस मोड है. ठीक है, ये आप करते हैं कि ज़ॉम्बीज मोड जितना है ना ये वाला सारा, इसको आपको फेंक देना है स्क्रिप्ट के अंदर. फेंक दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि नेटिव UI की एक फाइल है, इसको आपको फेंक देना है इसके अंदर. ठीक है, अगर एड का बोलता है तो कर देना है क्योंकि ये लेटेस्ट है. बाकी बस बंद कर दें. तो अब मैं आपको उसका गेम प्ले चेक करवाता हूँ, सारे मोड्स एडिड हुए हैं. ठीक है, अब आपको मैं GTA का गेम प्ले चेक करवाता हूँ. ऐसा हम लोग तो गेम के अंदर आ चुके हैं और आप लोग अभी साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं स्टैमिना थर्स्ट और हंडर, ये मोड इंस्टॉल हो चुके हैं. तो अभी ये मैप ओपन कर ली और आप लोग ये देख सकते हैं सारे. सबसे करीब घर खरीदते हैं जहाँ पे कोई, सबसे करीब वाला कौन सा है, ये है. ठीक है, इसकी गाड़ी पकड़ते हैं. और हाँ गाइस, ये तो आप लोग देखें, ये तो गाड़ी है ही DLC वाली और इसका फ्यूल भी कम हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा खाती है यार ये तो फ्यूल. ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे DLC व्हीकल्स दिखा देता हूँ, DLC एडेड व्हीकल्स. अरे मैं पहले घर तो ख़रीद लेना, DLC फिर दिखा देंगे. यहाँ पे रोकते हैं, आगे यहाँ ये वाला ख़रीद लेते हैं. wow, nice.
यार किसी की जगह भी तो प्यारी हो ना, तब बता कर दीजिए। ये वाला खरीदते हैं, बस ये वाला आपका कन्फर्म हो गया जी, कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये शीनो है, चीनो क्या है? ओ यार ये ज़ॉम्बीज मौजूद हैं बीच में। ये ख़रीद लूँ अब, ये मैंने ख़रीद लिया, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी परचेज आपके सामने बिल्कुल किया है, जो कुछ भी किया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गैरेज भी है इसका और सब कुछ है, ठीक है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ प्रीमियम डोलक्स मोटर शॉप, ठीक है। अभी मुझे याद भी है कौन कौन से मोड कर किए थे, फिर भी आगे चलते हैं आप हम लोग प्रीमियम डोलक्स मोटर शॉप पे। और जल्दी 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 तो अभी उसके पास पहुंचने लगा हूँ, वो डीलक्स मोटर शॉप के पास, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे और वहाँ से कोई अब गाड़ी ख़रीद लेते हैं प्यारी सी। वो रियलिस्टिक डैमेज वाला मैंने मोड किया था ना, वो वर्क कर रहा है अभी भी। ये देखें, ओ बैठे आगे से गाड़ी ही नहीं रही, गाड़ी ख़त्म हो गई आगे से। पीछे हो जा, लड़ेगा लड़ेगा। रास्ता कहाँ से है अंदर जाने का? रास्ता किस साइड पे है भाई? वो सुना है ग्रह वो वाला मोड, क्या नाम था उसका? ये हाँ ये इसका रास्ता है, ठीक है। और ये खाला बैठी हुई है, इसके साथ हमने इंटरेक्ट करना है और हमने गाड़ी अगर ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। चलते हैं हम लोग नीचे, स्पोर्ट क्लासिक में दिया वो भी हैं सारे। यहाँ से कहाँ से नीचे कहाँ से जाता है जे? यस, तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं सुपर, सुपर की कोई लेते हैं गाड़ी। सबसे लेटेस्ट गाड़ी अभी ये वाली आई है, तो बिल्कुल रियलिस्टिक है, ट्रू फैड है। लेते हैं व्हीकल कस्टमाइजेशन कलर, यार कोई भी कलर नहीं लेते। ट्रांसफॉर्म बैक कर देते हैं, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, गाड़ी हमने ख़रीद ली है। ओ वाह भाई जान, गाड़ी खरीद अपने ख़रीदने का तो अलग मज़ा होता है यार। अभी पेट्रोल भी आपको भरा के मैं चेक करवा देता हूँ, उसके बाद ज़ॉम्बीज मोड रह जाएगा और फार्मिंग लाइफ अलग मोड है। फार्मिंग लाइफ वाला मोड इंस्टॉल हुआ। ओह यस भाई जान, ग्रेन शॉप और ये और लास्ट में फिर ये रह गया और उसके बाद बस और कोई भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये यहाँ से आप पेट्रोल भरवाते हैं। और फार्मिंग मोड को खैर ऐसे ही है जैसे बाकी सारे हैं। ये मैं पहुँच गया इधर, ये खड़ी कर दी वो रिफिल 55, वो रिफिल हो गया सारा। मज़े का मोड है यार, शुक्र अब फट नहीं गया अभी। वाह 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 वाह, गाड़ियाँ रिपेयर नहीं हो रही खुद ही खुद ही, वो लगाते हैं ना। पिछली वीडियो मैंने बंद कर दिया था ये। और अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी आपको मैं इस जगह पे ज़ॉम्बीज मोड एक्टिवेट करके बताता हूँ। ये उसके लिए आपको क्या करना है कि F10 प्रेस कर दिए, उसके बाद अब आपको यहाँ से मोड आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। यू से ऊपर जाएगा, ठीक है। फास्ट ज़ॉम्बीज भी आप लोग एक्टिवेट कर दें, सर्वाइवर्स भी एक्टिवेट कर दें, और इन्फेक्टेड मोड ये एक्टिवेट हो गया भाई जान, ठीक है। एंड आप सब कुछ हट गया, एंड वो आप लोग सामने ज़ॉम्बीज देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग जब उनके पास जाएंगे फायरिंग करेंगे तो वो साथ साथ आवाज़ भी करेंगे। ये करिए, वो देखो आगे आ रहे हैं अभी मेरी तरफ। इस मोड में खेलने का मज़ा आपको तब आएगा जब आप सारे वेपन्स रिमूव कर देंगे, ये वेपन रिमूव ऑल वेपन। तो अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ एक ये वाला पिस्टल ले सकते हैं, पिस्टल्स में ही कोई बस ये एक पिस्टल ले लें तो भाई जान बहुत मज़ा आने वाला है इसके बाद आपको, ठीक हो गया। अभी आप यहाँ पे सर्वाइवर्स ढूँढें, आप लोग कार्स भी ले से ढूँढ सकते हैं, और यहाँ पे जो खड़ी हुई हैं ये वर्क नहीं करेंगी गाड़ियाँ, ठीक हो गया। स्टैमिना अभी हमारा कम हो रहा है, इस गाड़ी में ट्राई तो करें वैसे बैठ के अपना चली जाए। नो देखा, रोड पर जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है। अभी आपको रिपेयर किट चाहिए होगी इसके लिए,
टाइम लेफ्ट मैरी वेदर का ड्रॉप यहाँ पे आता रहेगा, ये यहाँ पे ये मैप में लोकेशन बता रहे हैं, ये वाली यहाँ पे मैरी वेदर का ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारे मोड का रिव्यू भी दे दिया है, और फार्मिंग लाइफ वाला भी मोड ऐसे ही है जैसे सारे हैं। तो मिलता हूँ गाइस मैं अपनी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।